नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन आईएएस पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मयूरेश और आज से हम एक न्यू लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करेंगे ईयर वाइज और टॉपिक वाइज। तो आज के लेक्चर में हम यूपीएससी प्रीलिम्स के 2019 से इंडियन पॉलिटी को डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट, तो करेक्ट पूछा है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको सबसे पहले ये देखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। इसका मतलब 44th अमेंडमेंट एक्ट को पास किया गया था जिससे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया। तो ये स्टेटमेंट गलत है, 44th अमेंडमेंट एक्ट से ऐसे कुछ भी नहीं किया गया था। तो 44th अमेंडमेंट 1978 में पास किया गया था, तब जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी और तभी प्राइम मिनिस्टर थे मोरारजी देसाई। जुडिशियल रिव्यू यानी क्या? आर्टिकल 13 में इसका मेंशन है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है कि किसी भी लेजिस्लेटिव या फिर एग्जीक्यूटिव एक्ट या फिर लॉ को सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट उसको निरस्त कर सकती है, उसको खारिज कर सकती है अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वॉयलेशन करता हो। तो अगर स्टेटमेंट वन अगर गलत है तो आपके ऑप्शन ए और ऑप्शन सी कट हो गए, बच गया ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। फिर सेकेंड स्टेटमेंट हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टक डाउन द 99th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज बीइंग वॉयलेटिव ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी। यानी क्या? सुप्रीम कोर्ट ने 99th अमेंडमेंट एक्ट को खत्म कर दिया, उसको स्टक डाउन कर दिया क्योंकि वो हमारे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी को अफेक्ट कर रहा था। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, 99th अमेंडमेंट इससे एनजीएससी को पास किया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बिल, जिससे एक एनजीएससी बॉडी बनी थी। कॉलेजियम सिस्टम जो है जजेस के अपॉइंटमेंट का, उसको हटा के एनजीएससी बना था, बट उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर और बाकी के कुछ कैबिनेट मिनिस्टर मौजूद थे तो जो कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी को हैम्पर कर रहा था और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट कर रहा था। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपका आंसर है बी, टू ओनली। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, द 9th शेड्यूल वॉज इंट्रोड्यूस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ। तो 9th शेड्यूल जब इंट्रोड्यूस किया इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो 9th शेड्यूल को आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट को पास किया गया था और वो अमेंडमेंट एक्ट 1951 में पास किया गया था। तो 1951 में हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो आंसर है आपका ए, जवाहरलाल नेहरू। तो 9th शेड्यूल के अंदर लैंड रिफॉर्म्स और जमींदारी सिस्टम के एबोल्यूशन की बात थी और इसका एक फेमस केस भी है उसके अंदर, है आईआर कोलो केस, जिसकी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में दी थी। आपको आईआर केस की क्या सिग्निफिकेंस है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, आपके लिए होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ पे करेक्ट पूछा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द पार्लियामेंट प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट 1959 एग्जेम्प्ट्स सेवरल पोस्ट फ्रॉम डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इस एक्ट के अंदर कुछ ऐसे ग्राउंड्स मेंशन है जिसके अंदर एग्जेम्प्शन दिए है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट हम देखते हैं, द अबव मेंशनड एक्ट वॉज अमेंडेड 5 times। तो इस एक्ट को पांच बार अमेंड किया गया था, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आपकी स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 करेक्ट है। फिर हम थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, द टर्म ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इज वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारे आर्टिकल 102 और 191 के अंदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मेंशन तो है और उसको डिफाइन नहीं किया गया, इसलिए आपका ये थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहीं पे भी डिफाइंड है नहीं, इसलिए आपके ऑप्शंस ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी कट हो जाएंगे। आपका आंसर रहेगा ए, 1 और 2 ओनली, ऑप्शन नंबर ए। तो एलिमिनेशन टेक्निक से आपका यहाँ पे आंसर निकलेगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू द प्राइवेट पार्टीज फॉर माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड। तो कौन से शेड्यूल के अंदर जो भी ट्राइबल लैंड अगर किसी प्राइवेट पार्टी को ट्रांसफर कर दी माइनिंग एक्टिविटीज के लिए तो नल एंड वॉइड घोषित हो जाएगा। तो कौन सा शेड्यूल है? तो ट्राइबल से हमारा शेड्यूल दो शेड्यूल रिलेटेड है, तो शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा शेड्यूल 5, ऑप्शन नंबर बी। तो शेड्यूल 5 के अंदर किसी भी शेड्यूल और ट्राइबल शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में एडमिनिस्ट्रेशन की बात है, उसके अंदर पूरा प्रोविजन मेंशन है। और कौन से स्टेट शेड्यूल 5 के अंदर आते हैं? तो 10 स्टेट्स है, राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा।
तो ये 10 स्टेट्स आपके आते हैं फिफ्थ स्केड्यूल में, स्केड्यूल 5 के अंदर। तो आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि सिक्स स्केड्यूल के अंदर कौन से स्टेट्स आते हैं, आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चार्टर एक्ट 1813। तो यहाँ पे करेक्ट पूछा गया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। तो एक स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर सेकेंड स्टेटमेंट है, इट एसर्टेड द सॉवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। फिर थर्ड स्टेटमेंट है, द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वेयर नाउ कंट्रोल्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये रेवेन्यू का जो कंट्रोल है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास गया चार्टर एक्ट 1813 से, ना कि 1833 से, ना कि 1813 से। तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है। अगर थर्ड स्टेटमेंट अगर गलत है तो आपके ऑप्शन नंबर बी गया, ऑप्शन नंबर सी गया, ऑप्शन नंबर डी गया। आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 ओनली। तो चार्टर एक्ट 1833 से जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के कमर्शियल ऑपरेशंस थे उसको बंद किए गए और ईस्ट इंडिया कंपनी 1833 से एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गया। तो आपका आंसर है ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेफगार्ड्स वंस राइट टू मैरी पर्सन ऑफ वंस चॉइस। तो हमारे कौन से आर्टिकल के अंदर मेंशनड है कि किसी भी पर्सन को, किसी भी इंसान को अपने मर्जी के पर्सन से शादी करने की राइट है। तो आप एलिमिनेशन से भी आंसर निकाल सकते हैं। आपका सी जो है आर्टिकल 25, ये राइट टू रिलीजन है, ये खत्म हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। आपका डी है आर्टिकल 29, उसके अंदर राइट टू कल्चरल राइट्स है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके बचेंगे ए एंड बी। ए के अंदर है सिक्स फंडामेंटल राइट्स, उसके अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वगैरह वगैरह है, तो ये भी कट हो जाएगा। आपका बचेगा ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 21, इसके अंदर राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। तो पर्सनल लिबर्टी के अंदर आता है आपका राइट टू मैरी पर्सन ऑफ वंस चॉइस। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 21। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, यहाँ पे करेक्ट पूछे है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द गवर्नर मेक्स अ कस्टमरी एड्रेस टू मेंबर्स ऑफ हाउस एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर। यस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। गवर्नर हर साल किसी भी हाउस के न्यू सेशन को, और जब भी न्यू गवर्नमेंट बनती है, न्यू असेंबली बनती है, उसके फर्स्ट सेशन को गवर्नर एड्रेस करता है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, व्हेन ए स्टेट लेजिस्लेचर डज नॉट हैव रूल ऑन पर्टिकुलर मैटर इट फॉलोज लोकसभा रूल ऑन दैट मैटर। तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेट की जो लेजिस्लेचर है खुद के रूल्स खुद बनाती है। ओके, तो स्टेटमेंट नंबर वन करेक्ट है और सेकेंड इनकरेक्ट है। तो आपका आंसर आएगा क्या, ए, वन ओनली। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिशन और लिमिटेशन और प्रोविजन कंटेंट इन द ऑर्डिनरी लॉ कैनॉट एक्ट एज प्रोहिबिशन और लिमिटेशन ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स अंडर आर्टिकल 142। इट कुड मीन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी क्या ये क्वेश्चन क्या पूछता है कि हमारे जो भी साधारण लॉज है उसके अंदर जो भी प्रोहिबिशन एंड लिमिटेशन मैंशनड है वो आर्टिकल 142 के ऊपर प्रोहिबिशन नहीं लगाते, उसका मतलब क्या है। तो आर्टिकल 142 आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, मैंने होमवर्क भी दिया था आपको, कि ये अनफेटर्ड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट को डिक्लेयर करता है। सुप्रीम कोर्ट के पास जो भी अनलिमिटेड पावर्स है वो आर्टिकल 142 को मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट को कंप्लीट जस्टिस करने के लिए आर्टिकल 142 पावर्स देती है कॉन्स्टिट्यूशन की। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा बी, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज नॉट कंस्ट्रेंड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर्स बाय लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यू एक्सेप्ट एज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ लिबर्टी। तो लिबर्टी का सबसे अप्रोप्रिएट डेफिनेशन कौन सा है। तो लिबर्टी अगर नॉर्मल अगर हम केस में बात करें तो आपके प्रीएम्बल के अंदर, आपके फंडामेंटल राइट्स के अंदर लिबर्टी मेंशन है। तो लिबर्टी यानी क्या, एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस। ओके, तो आपका आएगा यहाँ पे आंसर ऑप्शन नंबर बी, एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है,
no high court shall have the jurisdiction to declare any central law to be constitutionally invalid. यानी हाई कोर्ट के पास किसी भी लॉ को इनवैलिड करने का अधिकार है नहीं. तो ये स्टेटमेंट गलत है. हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी कि हाई कोर्ट के पास भी जुडिशियल रिव्यू का पावर है. तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. फिर सेकंड स्टेटमेंट है, एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैनॉट बी कॉल्ड इन टू क्वेश्चन बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किसी भी अमेंडमेंट को क्वेश्चन नहीं कर सकता. तो ये भी स्टेटमेंट गलत है. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर है, वो किसी भी अमेंडमेंट को क्वेश्चन कर सकता है. हमने एनजीएससी एक्ट के अंदर देखा था कि एनजीएससी को 99th अमेंडमेंट एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था. क्यों? क्योंकि वो जुडिशियरी के इंडिपेंडेंस को हैम्पर कर रहा था, हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को हैम्पर कर रहा था. इसलिए आपके दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. आपका आंसर आएगा डी, नेदर वन और नॉर टू. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट केस है बेसिक स्ट्रक्चर का, उसका नाम है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग रिव्यू द इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स इन द सेक्टर्स लाइक टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आपको इसके करेक्ट पूछे तो कौन कौन इंडिया के अंदर जो भी इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स है उनको रेगुलेट कौन करता है. तो आपको कॉमन सेंस या फिर लॉजिक से आपका आंसर निकल जाएगा. सबसे पहले यहाँ पे देख लो, फाइनेंस कमीशन. फाइनेंस कमीशन कभी भी रेगुलेटरी बॉडी का एक्ट नहीं करती, काम नहीं करती. फाइनेंस कमीशन का काम क्या है कि सेंट्रल एंड स्टेट्स के बीच में जो भी नेट प्रोसीड्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर देना. तो आपका जहां जहां पे थ्री ओ कट हो जाएगा, तो बी आपका कट हुआ, सी आपका कट हुआ. ओके, फिर यहाँ पे देख लो नीति आयोग. नीति आयोग का काम क्या है, प्लानिंग करना, वो भी रेगुलेट नहीं करती. तो आपका डी भी कट गया. तो आपका आंसर बचा क्या, ए, वन एंड टू ओनली. तो ये दो बस रेगुलेट करते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड दैट द गवर्नर शुड बी एन इमिनेंट पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द स्टेट एंड शुड बी डिटैच्ड फिगर विदाउट इंटेंस पॉलिटिकल लिंक और शुड नॉट हैव टेकन पार्ट इन पॉलिटिक्स इन रिसेंट पास्ट. यानी ऐसे किस कमीशन की रिपोर्ट ने कहा था कि जो भी गवर्नर अपॉइंट करेंगे स्टेट के, वो एक एमिनेंट पर्सन होना चाहिए उस स्टेट के बाहर से और एक पॉलिटिकली न्यूट्रल पर्सन होना चाहिए. तो ये सजेशन दिए थे सी, सरकार या कमीशन ने. सरकार या कमीशन का गठन 1983 में हुआ था सेंट्रल एंड स्टेट्स के रिलेशन को स्टडी करने के लिए. तो आपका आंसर है सी, सरकार या कमीशन. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल्स इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, सैंड इज अ माइनर मिनरल अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग लॉ इन द कंट्री. तो सैंड माइनर मिनरल है क्या, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. तो अगर ये स्टेटमेंट करेक्ट है तो आपका सी यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया. देन सेकेंड स्टेटमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट्स हैव द पावर टू ग्रांट माइनिंग लाइसेंस लीजेस ऑफ माइनर मिनरल्स बट द पावर रिगार्डिंग फॉर्मेशन ऑफ रूल्स लाइज विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये गलत है. रूल्स फॉर्म करने का पावर भी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है. सेंट्रल गवर्नमेंट बस उन माइनर मिनरल्स को नोटिफाई करती है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मेजर मिनरल्स के बारे में रूल्स फॉर्मुलेट करती है, ना कि माइनर के बारे में. माइनर की पावर किसके पास है, स्टेट गवर्नमेंट्स के पास. तो ये स्टेटमेंट गलत है. अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो आपका बी गया, आपका डी गया. आपका आंसर क्या है, ए, वन एंड थ्री ओनली. तो थ्री को हम एक बार देख लेते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर टू फ्रेम रूल्स टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग ऑफ माइनर मिनरल्स, ये भी करेक्ट है. तो आपका आंसर है ए, वन एंड थ्री ओनली. हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट है, मोशन टू इम्पीच जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैनॉट बी रिजेक्टेड बाय स्पीकर ऑफ लोकसभा एज पर जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968. तो ये स्टेटमेंट गलत है. जो भी स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है या फिर चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, उसके पास में जब भी इम्पीचमेंट मोशन आती है सुप्रीम कोर्ट के जज की, तो उनके पास पावर होती है कि उसको एक्सेप्ट करे या फिर रिजेक्ट करे. ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है. अगर फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है तो आपका ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो गया, आपका ऑप्शन नंबर डी कैंसिल हो गया, बच गया बी और सी. फिर सेकेंड स्टेटमेंट हम देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस एंड गिव्स डिटेल्स ऑफ व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को इन दोनों ग्राउंड से निकाला जा सकता है, इनकैपेसिटी एंड प्रूव्ड मिसबिहेवियर. ओके, बट उसका कहीं पर भी डेफिनेशन मेंशन नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, इसलिए आपका जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो गलत है. ओके, फिर थर्ड स्टेटमेंट हम देख लेते हैं. तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों भी गलत है. थर्ड स्टेटमेंट की तरफ हम आते हैं,
The details of process of impeachment of judges of the Supreme Court of India are given in the Judges Inquiry Act 1968. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है. जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के रिमूवल की प्रोसेस वहां पे मेंशन है. फिर फोर्थ स्टेटमेंट है, इफ मोशन फॉर इम्पीचमेंट ऑफ ए जज इज टेकन अप फॉर वोटिंग द लॉ रिक्वायर्स द मोशन टू बी बैक्ड बाय ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड सपोर्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस बाय नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग. ओके, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की रिमूवल के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अंदर स्पेशल मेजोरिटी से वो बिल पास होना चाहिए, तभी सुप्रीम कोर्ट का जज रिमूव हो सकता है. ओके, तो आपके स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट नंबर 3 और 4 करेक्ट है, इसलिए आपका आंसर आएगा सी 3 और 4 ओनली. तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू वेरी मच.